बलात्कार के आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर, बल्कि यूं कहें कि बलात्कार के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर ने 30,000 कोर्ट के फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कुलदीप सिंह सेंगर ने उम्र कैद के फैसले के खिलाफ में चुनौती दी है दिल्ली के 30,000 कोर्ट के उस फैसले में के खिलाफ, जिसको लेकर के कुलदीप सिंह सेंगर को ऐसा लग रहा था कि अब उसे बचने का कोई रास्ता नहीं। मगर इस बीच में आज इस याचिका के जरिए फरियाद की है दिल्ली हाई कोर्ट से कि रोक लगाई जाए 30,000 कोर्ट के उस फैसले के ऊपर। कुछ ही देर में अपने सहयोगी अमित दुबे की तरफ रुख करेंगे। हमारे साथ में इस वक्त अमित दुबे जुड़ चुके हैं। अमित, आखिर वह ग्राउंड क्या है जिसके बुनियाद पर 30,000 कोर्ट के फैसले के खिलाफ में दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई? अमित, आपको आवाज आ रही है? अपने सहयोगी की तरफ हम रुख करेंगे, मगर इस बीच में आपको ये बताएं कि दरअसल उन्नाव रेप कांड में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर, जिसे दिल्ली की 30,000 कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, और उसी उम्र कैद की सजा के खिलाफ में बचाव का रास्ता ढूंढते हुए कुलदीप सिंह सेंगर ने दिल्ली के हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है जिसमें 30,000 कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है और उस फैसले के खिलाफ में अपील दायर की गई है।